चौथे चरण के मतदान के बीच प्रयागराज में नेताओं का जमावड़ा रहा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शहर उत्तरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनयात्रा निकाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बालसन चौराहे पर ऋषि मुनि भरद्वाज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शहर उत्तरी के कई इलाकों में रोड शो किया। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और मैं जितनी उम्मीद नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स यहाँ पे लोगों का मिल रहा है मुझको। मैं समझता हूँ लोगों के अंदर इस बात की टीस है कि अभी तक उनके पास विकल्प नहीं था। अभी तक या तो धर्म पे लड़ाने वाली पार्टी या जाति पे लड़ाने वाली पार्टी, यही सब आती थी। अब की बार पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रहे हैं हम पढ़ाने वाले हैं, हम आपके इलाज कराने वाले हैं, हम आपको रोजगार दिलवाने वाले हैं और दिल्ली में करके दिखाया है। आज बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके पास में हमेशा सरकार रही लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई हों जो ये करने के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो करने का दावा कर रही है वो करके दिखाया है। मुद्दे क्या आप देख रहे हैं? मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्कूलों की बुरी हालत है। मैं जितने स्कूलों के सामने से निकला, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के स्कूल भी, बस लोगों को वोट देना है शिक्षा के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।